कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जहां हरिद्वार जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुट गया है। मुख्य चिकित्सा कार्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिसिन और 17 अस्थायी कैंप की तैयारी कर ली है। साथ ही यात्रा के दौरान जो मेडिकल कैंप बनाए जा रहे हैं उसमें 24 घंटे यात्रियों को सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि हर स्वास्थ्य कैंप पर एक एम्बुलेंस भी मौजूद होगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के संदर्भ में वही दो दिन पहले ही हम लोगों की डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी कलेक्ट्रेटों सभागार में। उससे पहले भी एक बार हुआ था तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया था डीएम महोदय के द्वारा कि आप लोग अपने विभाग में अपने स्तर से तैयारियां कर लें। तो हम लोगों ने मेडिसिन और टेंट के हमारे करीब 17 अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे, उसके लिए टेंट की व्यवस्था के लिए हमने टेंडर कर चुका है, जिसका 29 तारीख को हमारा उसका बिल्डिंग खुल जाएगा। ई टेंडर किया गया है।